बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.6 करेंगे। यूनिट 9 में हमारे पास है एरियाज एंड वॉल्यूम। आप पहले 9.5 कर चुके हैं, उसमें हमारा टॉपिक था स्फीयर, अब हमारा टॉपिक है कोन। इस एक्सरसाइज में हम कोन के बारे में पढ़ेंगे। कोन के टू पार्ट होते हैं, कर्व सरफेस और सर्कुलर सरफेस। कर्व सरफेस जो वर्टेक्स से स्टार्ट होके नीचे सर्कुलर सरफेस तक जाता है, और सर्कुलर सरफेस को हम कोन का बेस भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोन के 5 एलिमेंट्स होते हैं, इस फिगर में देख लीजिए। एक एलिमेंट ये वर्टेक्स, जिसे मैंने सी का नाम दिया है, ये एक एलिमेंट है इसका। एक है स्लैंटिंग हाइट, ये हाइट जो सी से रेडियस ये ए पॉइंट तक जा रही है। ठीक है, ये है स्लैंटिंग हाइट, जिसे एस से डिनोट किया गया है। एक है रेडियस, ये जो आपके पास नीचे सर्कुलर है, सर्कुलर बेस जो है इसकी, यहाँ पे सेंटर से लेके पॉइंट ए तक जो लाइन है, ये है रेडियस। ये भी एक एलिमेंट है। ये ओरिजिनल पॉइंट यानी जो सेंटर पॉइंट है इसका, ये भी एक एलिमेंट है। वर्टेक्स से लेकर एलिमेंट ओ तक की, यानी सेंटर तक की जो एक लाइन आ रही है, जो हाइट है, ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, और ये हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे। तो ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं कोन के, इन्हें याद रखिएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले हम कुछ फॉर्मूलाए देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन में यूज होंगे। बेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको मालूम है, फिक्स होती है, और आर यहाँ पे रेडियस है। सेकेंड फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू पाई आर एस। पाई भी आपको मालूम है, आर भी आपको मालूम है, रेडियस है, और एस मैंने आपको अभी बताया स्लैंटिंग हाइट होती है। स्लैंटिंग हाइट जिसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, फिर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर, ब्रैकेट में है आर प्लस एस। तो ये कुछ फॉर्मूलाए हैं जो हमें इस क्वेश्चन में यूज करने हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द अननोन एलिमेंट्स। फाइंड द अननोन एलिमेंट्स ऑफ द कोन इन द टेबल गिवन बिलो। तो आपके पास जो ये क्वेश्चन है टेबल के फॉर्म में है, जिसमें रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 28 सेंटीमीटर। आगे देखें आपको ये बॉक्सेस खाली नजर आ रहे हैं, ये सब आपको मालूम करना है। स्लैंटिंग हाइट, बेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। बोर्ड पे देख लेते हैं, डाटा देख लीजिए स्टूडेंट्स। रेडियस है 21 सेंटीमीटर, हाइट है 28 सेंटीमीटर, और बाकी सब हमें मालूम करना है। स्लैंटिंग हाइट, बेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। वन बाय वन हम इसे फाइंड आउट करते जाते हैं। स्लैंटिंग हाइट देख लेते हैं, स्लैंटिंग हाइट का फॉर्मूला क्या है, रेडिकल एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। एच हमारे पास गिवन है 28 स्क्वायर, आर गिवन है 21, ये भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। रफ वर्क देख लेते हैं, ट्वेंटी एट का स्क्वायर हम इसे यहाँ पुट कर लेंगे 784 प्लस 21 का स्क्वायर, इट मीन्स 21 मल्टीप्लाई 21, 1 1 2 2 2 2 4 1 4 4, ये हो गया 441। ठीक, अब इन दोनों को प्लस करना है, 784 प्लस 441, तो यहीं पे प्लस कर लेते हैं, 441 लिखा है, 784, 5 8 4 12, 8 और 4 12,
1225। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालना है, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। मैं आपको डिवीजन मेथड से निकाल के दिखा देती हूँ। वन डबल टू फाइव, पेयरिंग कर ली हमने इसकी 12 किससे हो रहा है, 2 टू द 4, 3 थ्री दा 9, 4 फोर दा 16, वो बड़ा हो जाएगा तो हम 3 ले लेते हैं, 3 थ्री दा 9, यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ प्लस करेंगे, 3 प्लस 3 6, 12 माइनस 9 3, 25 कॉपी कर लिया, 325। अब हमें 6 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि ये 325 हो जाए, 6 के आगे भी आना है वो नंबर और यहाँ पे भी आना चाहिए, क्या होगा क्लास करके देख लेते हैं एक बार, 3 से करके देख लेते हैं, 63 से 3 9 3 6 18, बहुत छोटा आ रहा है ये 100 में और ये 300 में, किसी और नंबर से कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं, 5 5 25 5 6 30 प्लस 2 32, ये बिल्कुल सेम वही नंबर आ गया 325। ठीक है, इसका मतलब हमें 5 से करना है, इसे यहाँ पे भी 5 लिखेंगे और यहाँ पे भी 5 और यहाँ 5 प्लस होगा, ये हो गया 325, माइनस किया रिमाइंडर में कुछ नहीं आया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है इसमें किसका, ये 35 और यूनिट क्या आएगा क्लास, सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास ऊपर रेडियस और हाइट सेंटीमीटर में गिवन है, तो स्लैंटिंग हाइट इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला है इसका, पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पाई का आपको मालूम है फिक्स वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर आर की वैल्यू है 21, हमें पता है इसका मतलब 21 × 21 है, मैंने एक साथ ही लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए आप कैंसिलेशन हो रही है, 7 × 7 7 3 = 21, अब ऊपर तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिनोमिनेटर खत्म हो गया, न्यूमिनेटर में अब आपके पास 22 × 21 × 3, अगर हम 21 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है बहुत ईजी है, इसको मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, 3 × 3 3 2 = 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 63 मल्टीप्लाई हो रहा है 22 से, 2 3 6 2 6 12 2 3 6 2 6 12 6 8 3 1 1386। ये हमने क्या मालूम किया है, बेस एरिया, जब एरिया है ये तो इसका यूनिट क्या होगा, गुड, स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब थर्ड है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर एस, करके लिख लेती हूँ थोड़ा, पाई की वैल्यू है 22/7, आर आपको मालूम है 21 जो कि गिवन है, और एस है यहाँ पे स्लैंटिंग हाइट, स्लैंटिंग हाइट अभी हमने पीछे मालूम की 35, वो हमने यहाँ पुट कर ली, कैंसिलेशन कर लेते हैं, 21 भी कैंसिल हो रहा है 7 से, 35 भी हो रहा है, ये हमारी मर्जी, हम कुछ भी कर सकते हैं, 7 5 = 35, डिनोमिनेटर खत्म हो गया, न्यूमिनेटर में 22 × 21 × 5, यहाँ पे हम 5 को 21 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 1 = 5 5 2 = 10, 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 2 5 = 10, 1 2 0 0 + 1, 2 1 = 2, 2 5 = 10, वही सेम 1 2 0 1 3 2, तो यहाँ आंसर क्या रहा है 2310, ये था कर्व सरफेस एरिया
ऑफ कोन, इसका यूनिट क्या होगा? गुड, ये एरिया है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर, आर प्लस एस। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर हमारे पास क्या है 21, ठीक है, ब्रैकेट आर 21 प्लस 35। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है, 7 मतलब 7, 7 थ्री आर 21, अब यहाँ पे एडिशन भी हो रही है, हम इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। पहले 22 मल्टीप्लाई 3, बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टू जार 6, ब्रैकेट में अब देखें 21 प्लस 35 आप रफ वर्क में करके देख सकते हैं, 6 3 और 2 5 56, ब्रैकेट 56 मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसे रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 66 मल्टीप्लाई 56, 6 जार 36, 36 प्लस 3 39, 56 जार 30, 56 जार 30 33, 6963, 3696 हमारा आंसर आया है, किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये भी एरिया है हमारे पास तो इसका यूनिट भी क्या होगा, किसमें होगा? स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्लास, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, अब इसके जो आंसर्स आए हैं वो आप वैल्यू पुट कर लें या तो उसमें टेबल में, या आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स होमवर्क देख लीजिए अपना, लर्न फॉर्मूलाए एंड डू प्रैक्टिस ऑफ क्लास वर्क, जो फॉर्मूलाए हमने यूज किए हैं वो सब आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए और इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, जब तक फॉर्मूलाए याद नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।